जय हिंद। सो दोस्तों, आजकल आपने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा कि कुछ लोग इस तरह के वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो मैथ से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स बताते हैं, कुछ मैथ से रिलेटेड पजल सॉल्व करने की ट्रिक्स बताते हैं जिसमें आप बहुत फास्ट वे से आंसर निकाल सकते हो। बड़े बड़े नंबर्स होंगे, उनको कैसे डिवाइड करना है उसकी ट्रिक्स बता देंगे, मल्टीप्लाई फटाफट करके कैसे आंसर निकालना है उसकी ट्रिक्स बता देंगे, उसके बाद आपको एक होमवर्क दे देंगे कि आप ये दो बड़े नंबर्स को डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके देखो। आप करके देखते हो, वही सेम ट्रिक लगा के दो तीन स्टेप्स के अंदर आपका आंसर सही आ जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, आपको लगता है मैंने कुछ नया सीख लिया है। क्या आपको लगता है कि वाकई इस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, आपके एग्ज़ाम्स में आपके काम आने वाली हैं? आप ये फैक्ट समझ लो कि जो लोग इस तरह के वीडियोज़ देखते हैं, इस तरह के ट्रिक्स देखना चाहते हैं, वो लोग मोस्टली वही हैं जिनको अपने मैथ्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनके अंदर मैथ्स से रिलेटेड डर है एक बचपन से, जिससे आज तक वो उभर नहीं पाए हैं। और आप में से जो लोग इस वीडियो पे भी, मेरी इस वीडियो पे भी आए हो, उनमें से भी मोस्टली लोग ऐसे ही हो जिनको मैथ्स से रिलेटेड कहीं ना कहीं अंदर एक डर है। अब जब आपके दिमाग में मैथ्स से रिलेटेड डर है, बचपन से लेके आज तक आप मैथ्स को अच्छे से समझ नहीं पाए हो, तो आपको लगता है कि शायद इस स्टेज पे आके मुझे कोई बंदा एक मैजिकल ट्रिक बता दे, कुछ टेक्निक्स बता दे जिससे मैं फटाफट कोई भी मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। इसी चक्कर में आप इस तरह के वीडियोस में इंटरेस्टेड रहते हो। इस तरह के वीडियोस देखने से आप सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग बंद कर रहे हो, आप दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हो। मत सोचो कि आपका दिमाग चल रहा है, आपका दिमाग बंद हो रहा है, बिकॉज आपने देख लिया कि ये एक टर्म है, इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे इस तरीके से करना है और इस तरह से मुझे एक आंसर निकाल देना है, उससे आप खुश हो रहे हो। आपको ये नहीं पता है कि वो ट्रिक कहाँ से इवॉल्व हुई है, क्या उसके पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस तरह की चीज़ें आपके लिए तब तो काम कर सकती हैं जब आप किसी रिलेटिव के सामने, फ्रेंड के सामने एक दो मिनट का इंप्रेशन जमाना चाहते हो, वहाँ उनके सामने खुश होना चाहते हो, उनको कहो कि ठीक है ये दो बड़े नंबर हैं, मैं आपको फटाफट डिवाइड करके दिखाता हूँ, आप कर सकते हो, कहेंगे नहीं तो आप खुश हो जाओगे, ठीक है देखो मैंने इनके सामने इंप्रेशन जमा दिया। इसके अलावा ये चीज़ें कहीं काम आने वाली नहीं हैं। अगर आप ये सोचते हो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फटाफट मुझे हेल्प करेंगी इस तरह की ट्रिक्स, तो जब तक अगर आपको इनके बिहाइंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझ आएगा, तब तक आप धोखा खा जाओगे। इस तरह के शॉर्टकट्स आपके काम नहीं आने वाले हैं। मैथ्स कुछ लोगों को बहुत डरावना सब्जेक्ट लगता है, बहुत डर लगता है, बाहर से एक बड़ा हवा होता है उनके लिए। वो इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने ऊपर ऊपर से एक बाहर के आउटर लेयर्स देख के ही उसको एनालाइज किया है। बाहर से आप डर गए हो, बट एक चीज़ समझो, मैथ्स बाहर से डरावना लग सकता है, बट अगर आप मैथ्स के अंदर जाके, डीप जाके उसकी इंटरनल ब्यूटी को एक बार समझ जाओ, तो इसके जैसा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट कोई नहीं है। क्योंकि जिस तरह से ये सब्जेक्ट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे खड़ा हुआ है, वो अपने आप में ही यूनिक है। इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस पे कमांड हासिल करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है और उनकी एप्लीकेशंस पे प्रैक्टिस के साथ कमांड हासिल करनी होती है। फिजिक्स जैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर आपका फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, मान लो आप फिनोमिना देखते हो अपने डेली लाइफ के अंदर, आप कहीं ना कहीं उसको फिजिक्स से रिलेट करते हैं, वो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया, बट जब आप उसमें डीप जाना चाहते हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग पाना चाहते हो, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी कहीं ना कहीं मैथ्स पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। मैथ्स पे आपकी अच्छी कमांड हो जाती है तो आपके लाइफ में वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा काम आती है, आपको आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो हैं उसको एनहांस करने में बहुत मदद करती है। आपकी एनालिटिकल स्किल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी मैथ्स के ऊपर कमांड से, उसकी अंडरस्टैंडिंग से। सो ओवरऑल आपकी जो एक मेंटल डेवलपमेंट है, आपकी जो एक मेंटल ग्रोथ है, उसके लिए चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ आपको मैथ्स में बहुत हाई फाई होना चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ एक यूनिफॉर्म वे से हर इंसान के लिए, कि एटलीस्ट एक मॉडरेट लेवल पे, एक मीडियम लेवल पे आपके पास मैथ से रिलेटेड कमांड होनी चाहिए। आपके अंदर एटलीस्ट डर नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा आपको पीएचडी करनी है, कुछ कोई मास्टरी हासिल करनी है, बट आपके अंदर से डर निकल जाना चाहिए। और वो डर इस तरह के वीडियोज, इस तरह के ट्रिक्स, इस तरह के पजल सॉल्विंग टेक्निक्स को देख के नहीं निकलेगा। आप शॉर्टकट्स चाह रहे हो बिना अंडरस्टैंडिंग के, ठीक है, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कभी आपको कोई ट्रिक आनी नहीं चाहिए, बट आपको पहले अपने बेसिक्स तो पता हो। आपके बेसिक्स कमजोर हैं, आप सीधा जंप मारना चाहते हो ट्रिक्स पे, तो यू हैव टू गो बैक टू योर बेसिक्स। एक ही तरीका है, एक ही मैजिकल ट्रिक है मैथ्स को
समझने के लिए दैट यू हैव टू गो बैक टू योर बेसिक्स। बिल्कुल मत हिचकिचाओ कि ठीक है मैंने अब अपनी क्लासेस पास कर ली हैं पुरानी वाली, अब मुझे वापस वो नहीं देखना, मुझे आज की डेट में ट्रिक्स चाहिए। नहीं, जो जो एरियाज आपके मैथ्स से रिलेटेड वीक हैं उससे रिलेटेड स्कूल टाइम की एनसीईआरटीज उठाओ, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो। पहले लो लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, फिर मीडियम लेवल की करो, फिर हाई लेवल की करो। धीरे धीरे जब आगे आप बढ़ोगे तो जो जो कॉन्सेप्ट्स आपने अलग अलग चैप्टर्स के अंदर समझे हैं उनको मिक्स करके जो एप्लीकेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा, रातों रात नहीं होगा। जब आपका एक मॉडरेट लेवल पे मैथ्स में कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके बाद आप ट्रिक्स पे जा सकते हो, वैदिक मैथमेटिक्स की तरफ जा सकते हो। बट जब इस तरह की ट्रिक्स को भी आप समझते हो तो उसमें भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कभी भी रट्टा नहीं मारना है। मैथ्स में जब भी रट्टा मारोगे वो चीज़ आपको धोखा दे जाएगी। हमने मैथ्स में कभी रट्टा नहीं मारना है, बहुत एक डेडली चीज़ है अगर आप मैथ्स के अंदर रट्टा मारोगे। अगर कोई ट्रिक लगा रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो ये समझो कि ठीक है ये ट्रिक आई कहाँ से, उसके पीछे भी पक्का कोई कॉन्सेप्ट होगा, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, तभी उस ट्रिक को आप एफिशिएंटली किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में अपने एग्जाम में यूज कर पाओगे। आपने ये नहीं देखना कि हाँ इसने बंदे ने बता दिया कि ये डिजिट को यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर दो और आंसर लिख दो, इसका कोई फायदा नहीं है, आपको कहीं काम नहीं आने वाली इस तरह की चीज़ें, इस चीज़ को समझ लो। और कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके वीडियोस आप देख रहे हो, जिस इंसान के वीडियोस देख रहे हो इस तरह के, जो सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरह से एक ट्रिक्स बताता है, तो उसका भी अपना मैथ्स कोई बहुत ज़बरदस्त लेवल का ना हो, वो जस्ट कहीं से ट्रिक्स देखता है और आपको बता देता है, या कहीं से ट्रिक्स पढ़ता है और आपको बता देता है, और आप बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हो कि पता नहीं क्या आउट ऑफ द बॉक्स बता दिया है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, आपके अंदर डर है इसीलिए आपको वो चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स लगती है। आई कैन गारंटी अगर किसी इंसान के अंदर मैथ से रिलेटेड एक मॉडरेट लेवल का कॉन्फिडेंस है, वो कभी भी इस तरह के वीडियोज या ट्रिक्स की तरफ नहीं जाएगा, इवन मेरे इस वीडियो पे भी नहीं आएगा। सो मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही एडवाइस है, एक ही मैजिकल ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो यही है दैट यू हैव टू गो बैक टू योर बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग करो और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जय हिंद।